हेलो एवरीवन, दिस प्रभा सिंह, एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आज वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको कौन से अवार्ड्स मिले, कब उनका जन्म हुआ, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी जीवनी है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, लता मंगेशकर जी का जन्म जो हुआ था वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता जी थे, उन्होंने 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, फिल्में भी गाए हैं, और जो फिल्म से रिलेटेड नहीं है वो भी गाए हैं। इनकी जो पहचान थी वो भारतीय सिनेमा में किस रूप में थी, एक पार्श्व गायक के रूप में थी, क्योंकि ये जब 13 इयर्स की थी तो इनके फादर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और तभी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बिकॉज़ ये अपने परिवार में सबसे बड़ी थी तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इनकी डेथ हुई थी, डेथ हुई है 6 फरवरी 2022 को, 92 ईयर्स की थी जब इनकी डेथ हुई है ये। और ये कहाँ हुई है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, वहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में आज ही। ओके, इनका जो टाइमिंग माना जाता है 1942 से 1922 माना जाता है, क्योंकि जब ये 13 ईयर्स की थी तब से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ओके, इनका जन्म जो हुआ था वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सभी मेंबर्स में सबसे बड़ी थी, जितने भी बहन भाई थे उन सबसे में सबसे बड़ी थी, और एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम जो था दीनानाथ मंगेशकर था। इनके जो ब्रदर थे उसका उनका नाम हरदयनाथ मंगेशकर था। उषा मंगेशकर सिस्टर है, मीना मंगेशकर भी सिस्टर है, और आशा भोसले जी भी इनके एक सिस्टर है। टोटल ये 5 और ब्रदर और सिस्टर हुआ करते थे। पहली बार जब लता जी ने परफॉर्म किया था, पहली बार लता जी ने वसंत जोगलेकर द्वारा एक फिल्म निर्देशित थी, कीर्ति हसाल में इन्होंने एक सॉन्ग गाया था, ठीक है। सबसे पहला इनका गाना जो था कीर्ति हसाल में गाया था। 13 ईयर्स की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इनकी एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्ट्रेस के रूप में इनकी जो पहली फिल्म थी वो मंगला गौर थी, जो 1942 में आई थी। ओके, इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था, कई फिल्मों में ये, क्योंकि इनके परिवार की इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि एक बार इनको बोला गया था कि आपको हंसने का रोल करना है, तो इनको हंसी तो आई नहीं उस टाइम पर, इनको इतना पेन था तो वो ये ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर रोने लग गई थी, ठीक है। इन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया था, माझे बाल, चिमकुला, संसार, इन्होंने 1943 में आई थी फिल्म, गज भाव 1944 में आई थी, बड़ी माँ 1945 में आई थी, जीवन यात्रा 1946 में आई थी, माद 1948 में आई थी, और छत्रपति शिवाजी जो इनकी मूवी थी वो 1952 में आई थी। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा जो ब्रेक मिला था उनकी फिल्म आई थी कि महल, उससे मिला था, क्योंकि उसमें एक उन्होंने बहुत ही फेमस सॉन्ग गाया था, आने वाला आएगा, आपने सुना ही होगा, आने वाला आने, मतलब अच्छा सा सॉन्ग है वो गाया था इन्होंने, ठीक है। लता जी जो जी थी वो एकमात्र ऐसी आर्टिस्ट थी जिनके नाम पर क्या होता है, पुरस्कार का नाम रखा गया था। लता जी जो थी वो पहली ऐसी आर्टिस्ट थी जिनके नाम पर क्या रखा गया था, पुरस्कार का नाम रखा गया था। ओके, इनके पिता का नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर था, और ये भी एक क्या थे, शास्त्रीय गायक थे। ओके, आपको याद रखना है दीनानाथ मंगेशकर जी जो हैं वो एक शास्त्रीय गायक थे, और लता जी जो थी वो सबसे बड़ी थी। अब देखते हैं हम इनको, लता जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मिला है, 72 में, 75 में और 1990 में। महाराष्ट्र पुरस्कार इनको 2 बार मिला है, 66 में, 67 में। पद्म भूषण इनको 69 में मिला है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1989 में मिला है। राजीव गांधी पुरस्कार जो इनको मिला है वो 1997 में मिला है। NTR पुरस्कार इनको 1999 में मिला है। पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला है, और भारत रत्न आपको पता है इनको मिला है सेकेंड नंबर पर, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। ओके, और नूर जहाँ पुरस्कार इनको 2001 में मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इनको 2001 में मिला है। तो अब की बार, अब जब भी कोई एग्ज़ाम होगा म्यूज़िक का, तो लता जी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इनके अवार्ड्स को याद रखना है, इनको कब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, इनके फादर कौन थे, है ना, तो ये कौन से घराने से हैं, इनका भिंडी बाजार घराना आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है। देखो, लता जी को क्या बोलते हैं, भारत की नाइटेंगल इनको बोला जाता है, स्वर कोकिला के नाम इनको बोला, स्वर कोकिला नाम इनको दिया गया है, मेलोडी क्वीन नाम इनको दिया है। आपको पता है इनकी रिसेंटली जो आज ही डेथ हुई है, कोरोना से हुई है, इनको माना जाता है इनको कोरोना था, ठीक है, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, इनका इलाज भी चल रहा था, तो इनकी आज डेथ हो गई है। वैसे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि सबसे पहली आर्टिस्ट हमारे जो इंडिया सिनेमा की थी, लता जी थी, इन्हीं ये बहुत ही सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की थी करियर की एज अ सिंगर, तो हमारे बॉलीवुड की पहली आर्टिस्ट बोला जाए तो इन्हें, मतलब सबसे 90 के टाइम की या फिर 70 के टाइम की जो फेमस सिंगर मानी जाती है, लता जी मानी जाती है, इनकी कमी हमेशा रहेगी। चल, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को
सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। और आज जो है वो बहुत ही पेनफुल दिन डे है सभी म्यूजिशियंस के लिए, तो सभी दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि दो, सभी उनको दिल से प्रे करो। ये मोमेंट बहुत ही मतलब बुरा वाला है, मैं तो ये समझती हूँ। थैंक यू सो मच।